Hello and welcome friends. Virus यानी vital information resources under siege, जो आपकी जरूरी सूचनाओं, जरूरी informations, जरूरी दस्तावेज को घेर ले, उसको बाहर ना निकलने दे, ऐसे हम कहते हैं वायरस, यानी कि ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं वायरस। और आज हम वायरस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ये वायरस की हिस्ट्री क्या है, कब बनी पहली वायरस, पहला वायरस कब बनाया गया, दुनिया का पहला वायरस कब बना। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, दुनिया का पहला वायरस जो है उसे कहा जाता है क्रीपर, क्रीपर यानी कि CREPER, और ये बना था 1971 में, आप देख सकते हैं। और ये विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं बना था, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है astonished eyes of the few users who handled the computer that were part of ARPANET. ये ARPANET यानी कि Advanced Research Product Agencies का एक पार्ट था, ठीक है। This was a business card of Creeper, ठीक है। तो ये जो Creeper था ये उसी का पार्ट था, और ये दुनिया में पहले वायरस के नाम से जाना जाता है। बनाने वाले कौन थे? बॉब थॉमस, ठीक है। ये वो प्रोग्रामर थे जिन्होंने इस वायरस को बनाया था। इसी के लिए एक एंटीवायरस डिजाइन किया गया था जिसका नाम था रीपर, ठीक है। तो ये जो वायरस था इसके लिए एंटीवायरस बना। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया प्रूनर, तो प्रूनर का मतलब होता है कैंची, ठीक है। और ये वायरस जो है हार्मलेस था, हार्मफुल नहीं था, ठीक है। आगे बढ़, फुल फॉर्म तो हमने आपको पहले ही बता दिया। इसे बनाने वाले दो भाई थे जिनका नाम था वासिद और अमजद फारूक अलवी, ठीक है। और ये जो है 17 साल के और 24 साल के मात्र थे जिन्होंने ये वायरस बनाया था। और ये विंडोज बेस्ड वायरस था, और यहाँ पर जो क्रीपर बना था ये विंडोज बेस्ड वायरस नहीं था, ये जो है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो बनाया था ये विंडोज बेस्ड वायरस था, ओके।